देखिए कक्षा 8वीं का गणित का सवाल दिया, प्रश्नावली 9.1 और प्रश्न संख्या आपका 2। 2 में बोल रहा पहले व्यंजक में से दूसरे को घटाइए, तो हमें क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ पे आपको दिया है 22x, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 22x, फिर कॉमा के जगह पे क्या करना है, माइनस का चिन्ह देना है क्योंकि इसको घटाना है। उसके बाद लिखेंगे 10x, ठीक है। तो देखिए 22x में से आप 10x घटाइएगा तो आपको आएगा 12x, ठीक है। बी में आपको दिया है 17xy, ठीक है, माइनस का चिन्ह देंगे फिर लिखेंगे 19xy, ठीक है। तो 17 में से आप 19 घटाइएगा तो आपको आएगा माइनस का 2, ठीक है, और इसका दिया है xy दोनों का चर, तो यहाँ पे लिखेंगे -2xy, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब देखिए यहाँ पे आपको दिया है सी में ए स्क्वायर प्लस 1, फिर दिया है -2a, तो इसको भी घटाना है, ए स्क्वायर प्लस का चिन्ह देंगे फिर 1 है तो 1 लिखेंगे, तो इसको घटाना है तो घटाव का चिन्ह देंगे, फिर आपको दिया है -2a तो इसको लिखेंगे -2a और कोष्टक से ऐसे घेर देंगे, ए स्क्वायर का हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस, अब देखिए ये 1 है तो यहाँ पे 1 का 1 लिख रहे हैं, माइनस और माइनस को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा आपको 2a, ठीक है। डी में आपको दिया है 8x, ठीक है, कॉमा के जगह पे हम माइनस का चिन्ह दे देंगे, फिर दिया है -8x, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, 8x का 8x लिखेंगे, माइनस माइनस को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, फिर ये हो जाएगा आपको 8x, ठीक है। तो 8x में 8x जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16x, ये हो जाएगा आपका आंसर। ई में दिया है 7xy, फिर कॉमा है फिर दिया है 7xy, तो यहाँ पे 7xy लिखेंगे, कॉमा के जगह पे माइनस का चिन्ह दे देंगे क्योंकि इसको घटाना है, तो 7xy फिर लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए 7xy में 7xy को घटाना है तो ये हो जाएगा आपको 0, आंसर हो जाएगा। एफ में दिया है आपको 7.3x, फिर है कॉमा, फिर दिया है 1.3x, तो यहाँ पे 7.3x कॉमा के जगह पे माइनस का चिन्ह, फिर लिखेंगे -1.3x, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे चर जो है दोनों का समान है, यहाँ पर x है और यहाँ पे x है, ठीक है, तो क्या करना है, 7.3 को 1.3 में घटाएंगे, ठीक है, और इसको कोष्ठक से ऐसे घेर देंगे, इसका चर समान दिया है x, तो यहाँ पे बाहर लिखेंगे x, इसको घटाएंगे तो 3 में से 3 गया 0, 7 में से 1 घटाएंगे तो आएगा कितना 6, ये x चर है तो यहाँ पे लिख लेंगे, तो 6x यहाँ पे घटाने पे आ रहा, तो ये हो गया आपका आंसर। देखिए जी में आपको दिया है -6x+y, फिर है +4z, ठीक है, फिर ये दिया है आपको -8, ठीक है, फिर यहाँ पे है -2y, ठीक है, तो इसको घटाना है तो यहाँ पे लिखेंगे घटाओ का चिन्ह, उसके बाद -2y, ठीक है, उसके बाद +x, फिर आपको दिया है -5z, तो इसको लिखेंगे -5z, फिर +8, ठीक है, इसको कोष्ठक से ऐसे घेर देंगे, पहले गिनती कर लेंगे, 1, ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 4 इधर रखेंगे हम, 4 संख्या वाला जो दिया है चर इधर रखेंगे और 4 को इधर कोष्ठक में, ठीक है, बीच में यहाँ पर रहेगा घटाव का चिन्ह, तो -6x+y, फिर +4z, फिर -8,
अब देखिए माइनस को माइनस में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस के 2y हो जाएगा, 2y ठीक है, प्लस का चिन्ह देंगे। फिर यहाँ पे दिया है, यहाँ पे देखिए फिर गुना करेंगे माइनस को प्लस में तो यहाँ पे आएगा माइनस, ठीक है, एक्स। फिर माइनस को माइनस में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 5z, माइनस को प्लस में गुना करेंगे तो फिर हो जाएगा आपको -8। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे एक्स चर जो है उसको एक जगह लिख लेंगे, तो ये -6x है तो इसको पहले लिखेंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे एक्स चर कहाँ है, यहाँ पे है, माइनस का एक्स है तो यहाँ पे लिख लेंगे माइनस का एक्स। अब देखेंगे यहाँ पे चर एक्स है कि नहीं है, तो यहाँ पे नहीं है, सिर्फ दो ही यहाँ पे दिया था, -6x और -x, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, वाई को लिखेंगे, चर वाई को, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह देकर चर वाई को लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए आपको दिया है प्लस का 2y, तो यहाँ पे प्लस का 2y लिखेंगे, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे अब नहीं है चर वाई, अब क्या करना है, जेड को लिखना है, चर जेड वाला जो संख्या है, ठीक है, जो पद है 4z दिया है उसको हम पहले लिखेंगे, तो यहाँ पे प्लस 4z को लिखेंगे। फिर यहाँ पे देख रहे हैं 5z है तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह देकर लिखेंगे प्लस 5z, ठीक है। अब नहीं है तो अब क्या करना है, संख्या यहाँ पे दिया है तो संख्या को हम लिखेंगे, यहाँ पे आपको दिया है -8 तो यहाँ पे -8 लिखेंगे। फिर यहाँ पे आपको दिया -8 तो यहाँ पे -8 लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करना है आपको, -6x में -x को जोड़ना है, ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7x, ये माइनस का हो जाएगा 7x। अब देखिए y है प्लस का y, फिर यहाँ पे दिया है 2y, 2y में y को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3y, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह देकर लिखेंगे 3y, ठीक है। अब देखिए 4z है और ये 5z है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस का चिन्ह दे देंगे। फिर 4z और 5z को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9z, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको दिया है -8, फिर यहाँ पे है -8, इसको हम जोड़ेंगे तो -8 और -8 आपको हो जाएगा माइनस का 16। ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए एच में दिया है एक्स बट्टे 2 माइनस, फिर एक्स बट्टे 4, फिर कॉमा देकर दिया है एक्स बट्टे 3, तो इसको भी बनाएंगे। इसको कैसे बनाएंगे, एक्स बटे 2 है तो एक्स बटे 2 का एक्स बटे 2 लिखेंगे, फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह देंगे, फिर यहाँ पे एक्स बटे 4 है तो यहाँ पे लिख लेंगे एक्स बटे 4, ठीक है। फिर यहाँ पे कॉमा है तो कॉमा के चिन्ह के जगह पे यहाँ पे माइनस का चिन्ह दे देंगे, एक्स बटे 3 का एक्स बटे 3 लिख लेंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, 2, 4, 3 का एलसीएम करना है, ठीक है, तो 2, 4 और 3 का एलसीएम करेंगे तो आएगा आपको 12, ठीक है। 2 से 12 में डिवाइड करेंगे, 2 छक्का 12, 6 को 1 से गुना तो ये हो जाएगा 6x, माइनस का चिन्ह यहाँ पे है तो यहाँ पे दे देंगे माइनस का चिन्ह। फिर 4 3 12, 3 को 1 से तो ये हो जाएगा 3x, ठीक है। फिर माइनस का चिन्ह है यहाँ पे तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह दे देंगे, 3 को 12 में, 3 चौके 12, 4 को 1 से गुना तो 4x ये हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, 6x में 3x माइनस करना है तो 6 में से 3 भी आपको हो जाएगा 3x, फिर बचेगा का माइनस का 4x, तो यहाँ पे लिखेंगे -4x बट्टे में 12। फिर इसको हम घटाएंगे, 3x में से -4x, तो ये 3x है और ये माइनस का 4x है, तो जब घटाएंगे तो आएगा माइनस का एक्स बट्टा में आपको हो जाएगा 12। ये हो गया आपका आंसर।